कितनी बुरी बातें मुझे रहती बोल दिया इन्होंने वीडियो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है काशी सैलून में, क्योंकि हमारे यहाँ सर्विसेज के लिए पहले वाले काशी के व्लॉग में आपने देखा था कि मैं बुकिंग करवाने आई थी। मेरी सिस्टर्स के हेयर डाई वगैरह थे, उन सब की मैंने जो है ना हाईलाइट्स थे वो सब बुकिंग एक दफ़े में करवा के चली गई थी। तो और ये कल आके करवा के जा चुकी हैं इनकी हेयर डाई और स्टिकिंग वो हाईलाइट्स, तो बहुत अच्छे हैं, इनके बालों में रिजल्ट्स आए बहुत अच्छे। और ये बेनिफिट ये देते हैं कि अगर आपको एक दफ़ा नहीं अच्छा लगता फिर आप दोबारा जाके चेंज करवा सकते हैं। तो जब से अलीशमा ने अपनी शादी पर करवाया था जब भी इन्होंने यही कहा था और अभी भी यही कहा है कि आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा किया है। और आज हम आए हैंगे अपनी सर्विसेज के लिए। आज की हमारी सर्विस है हाइड्रा एंड मैनीपैटी है। हेयर डाई और हाईलाइट्स इनके बहुत अच्छे होंगे। आज आपके साथ हाइड्रा और मैनीपैटी की सर्विस जो भी हम लेने वाले हैं उनके रिजल्ट्स लाजमी शेयर करूँगी। कौन से लगवाने आप लोगों ने, कौन से आप लोग लगवाना चाहती हैं? ये काशी इसकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो अलग अलग सेपरेट एरिया में होती हैं। आई हेयर ड्राई का अलग है, हेयर से जितने भी रिलेटेड हैं वो अलग सेपरेट बनाया हुआ है का, और हाइड्रा मैनीपैटी का सेपरेट है, मेकअप सेपरेट है। अच्छा मैं पहले काशी इस टैक्यूट वाले गई थी, वो तो वाकई बहुत बड़ा बनाया हुआ, मतलब फ्रंट पर जितना है उतना बैक पर भी आई थिंक है, क्योंकि सेंटर में जो था वो आई थिंक शूट वगैरह होते हैं उस तरह का एरिया बना हुआ था, फिर उसके बाद पीछे जाके जो है वो जो है वो ये था आई थिंक हमने क्या करवाया था हेयर डाई अलीशबा का, उस टाइम पे हमने तारिक रोड से करवाया था। अच्छा अभी जो हम वो गुलशन की ब्रांच में ही घूम रहे हैं इनकी, क्योंकि सर्विस भी यहाँ से करवा के गए थे, फिर महंगा चलो यही घर से करीब लगता है तो यहीं हम आ गए थे सर्विसेज के लिए। तो यहाँ मेरा हो रहा था मैनीपैटी और अम्मी का के कशा का सब साथ हम तीनों बैठे थे, और सिद्धरा और सबात नमी का जो है वो हाइड्रा स्टार्ट हो गया था, मैनीपैटी हो गया था। मैनीपैटी एक घंटे का था, वन आवर का कंप्लीट, बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद आ गई थी मैं हाइड्रा पे, हाइड्रा भी बहुत अच्छा इन्होंने किया था। हाइड्रा में हमारा हाइड्रा फेशियल के साथ था, हमारे वैक्स भी थी, आईब्रोज भी थी, स्किन ब्लीच स्किन पॉलिश सब कुछ था, जो आप करवाना चाहें आप करवा सकते थे। तो बहुत मज़ा आया करवाने में, मशीन्स वगैरह भी इन्होंने काफ़ी अच्छी यूज़ करी थी। अच्छा इसके बाद हम घर आ गए थे, वो आगे वाला ब्लॉग में बना नहीं सके, काफ़ी लेट हो गए थे हम घर आने में। तो यहाँ घर आई थी तो कज़न्स आए हुई थी, फिर हमने हल्के फुल्के से ढोलकी कर ली थी, क्योंकि कल आने मेहमानों ने लाहौर से, और उन्हें शहराज और शेरी दोनों लेने जाएंगे, क्योंकि दो फैमिलीज आ रही हैंगी तो दो गाड़ी का जाना भी ज़रूरी है का, तो ये दोनों लेने जाएंगे उन्हें, साथ हसन भी जाएंगे, और यहाँ हमारे गाने बजाने चल रहे हैं। अच्छा तो यहाँ बस निकल रहे थे शहराज और शहरी मेहमानों को लेने दोनों गाड़ियों में, और इन्होंने कोई वीडियो मेरे हिसाब से नहीं बनाई थी, मैंने इन्हें कहा भी था व्लॉग को कंटिन्यू रखना मेहमानों को लेने जा रहे हो, लेकिन कोई वीडियो हसन ने आई थिंक ये वीडियो बनाई थी और अपने शशकों की वीडियो बनाई हुई थी, कोई अच्छी वीडियो नहीं थी मेरे हिसाब से, मेरे व्लॉग के हिसाब से। अच्छा फिर उनकी वीडियो इतनी उससे बनाई भी नहीं थी, पता नहीं कोई व्लॉग में आना चाहता है नहीं आना चाहता, फिर वो आए फर्स्ट डे, तो फिर मैंने लेट नाइट उनसे फिर वीडियो जब हम बना रहे थे व्लॉग्स के लिए तो मैंने पूछ लिया आप लोग आएंगे तो मैं आप लोग की बना लेती होंगी, कि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है अपनी मर्ज़ी होती है, फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ बना लो आ जाएंगे, तो मैंने कहा इससे अच्छे क्या बात है, फिर मैंने खूब वीडियो बनाई है आगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सब लाहौर से जितने भी गेस्ट आए हैं उन सबकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनी हुई हैंगी। और ये यहाँ आ गए थे, फिर वे वाली बात है कि पहले तो मैं पता नहीं था कि वो ब्लॉग्स पर आएंगे तो उनकी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। नहीं कल पहुंचेगा ना, लाहौर से आई हैं सारी चीज़ें थी, जैसे मुस्कान और सुमाइका ने सब चीज़ों को चेक किया, क्योंकि मैं इस टाइम पे कबाब और ब्रोस्ट वगैरह फ्राई कर रही थी, तो
तो इन लोगों ने अपना काम किया, जल्दी जल्दी सब कुछ चेक किया, घी था, मक्खन था और अचार था जो बहुत मज़े का है। अच्छा, घर के अचार की जो खुशबू थी वही अलग होती है ना, बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े का है अचार, खुशबू ही बहुत अच्छी थी। ये मक्खन, ये सॉरी ये घी है और मक्खन, मक्खन ट्वीस्ट किया हमने, बहुत मज़े का। सुनहरा हुसैन को तो बहुत ही पसंद आया, मतलब ब्लू मैन उन्होंने शायद छोड़ने का सोच लिया, मम्मा ये वाला मक्खन मंगवाया करो आप। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने लाहौर का मक्खन खाया, क्योंकि अब तक जब हम गए तो जून जुलाई की छुट्टियों में जाते थे तो टीस कहने का वहाँ कोई इतना खास मौका नहीं मिला था, शायद बचपन में खाया हो तो याद नहीं है। खैर, अच्छा सिंध का खाते हैं क्योंकि कराची में रहते हैं, तो सिंध से तो शराज के खाला हैं तो वहाँ से हम मंगवा लेते हैं, जाते हैं तो ले आते हैं, तो वो बहुत मज़े का होता हैगा, लेकिन ये लाहौर का ही बहुत मज़े का है। गर्म रोटी पे फिर ये मज़े का रहेगा, पराठे से ज़्यादा अच्छा लगता है रोटी पे, ठंडी पे नहीं खा सकते। आटा ये फ्रिज में रखो, ये बिल्ली के वो क्या होते हैं, ये मक्खन है, वो घी है, तो ये पे बाजरे वाजरे का, बाजरे का बेसन है ये, नहीं नहीं आटा खरबूजे का उसका नहीं, फ्रिज पर रखवाया था कि मक्खन समझ के, मक्खन मक्खन को मक्खन को घी दही 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 इन्होंने मुझे पैकेट दिखाया था, चकरा के मेरा दिल भी खराब हो गया कि ये मक्खन है लेकिन ये मक्खन नहीं है, ये आटा है, मैंने इसको दही कहा था लेकिन ये मक्खन है। ऐसी चक्कर खोल चुका है, तुम भी खाओ, मैं भी खा लेती हूँ, नियती भी खाएगी, बोले कि मेरा मुंह खराब कर दिया, वो ऐसी हो गया, ठीक करने के लिए खा रही हूँ। कितनी बुरी बात है, मुझे रेती बोल दिया इन्होंने वीडियो। चलो फिर बात हो ना, हो तो खा रही है लोग, भूल गए थे कि लोग उतर गए थे, फिर बोल अगर नहीं नहीं ये अब चटेगी ना, पीए डालना ठंडा, टेस्ट करो कैसा है, अतीका के आग का साग सब कुछ मुस्कान ने टेस्ट कर लिया है। तो पैर में गैस बहुत स्लो हो गई थी, फिर मैंने इस पे सिलेंडर पे तेज़ आंच पे थोड़ा करके ना कबाब को फ्राई किया, क्योंकि आपको पता है कबाब तेज़ आंच पे फ्राई होते हैं तो थोड़ी क्रिस्पी से होते होंगे, और साथ ही में ब्रोस्ट जो थे वो फ्राई कर चुके थे। ये छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाई थी, अगर आपने मेरी क्रिस्पी चिकन की रेसिपी नहीं देखी तो वो आप देख लें, सेम उसी रेसिपी से मैंने ये बनाए थे। मैं इस तरह से चिकन कर लेती ताकि अच्छे से चिकन कुक हो जाती, जब मेहमान आते हैं तो 5 से 10 मिनट नहीं लगते आप फ्राई करके चिकन रख देते, वरना आपने चिकन को जो है ना गलने का इंतज़ार करना होता है, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं फिर ब्रोस्ट बनाने में। मेहमान आते हैं तो आप बस जल्दी से फ्राई कर लें, अगर आपने मेरी क्रिस्पी चिकन की वीडियो नहीं देखी तो जाके आप ज़रूर देखें, बहुत मज़े की बनती है। ये मेहमानों को ही बहुत अच्छी लगी थी, मेहमान बाहर खाना खा रहे थे, घर वाले अंदर खाना खा रहे थे, क्योंकि ये दोनों सुबह से ही मेहमानों के लिए जो है वो स्टेशन वगैरह गए थे, तीनों सॉरी मेरा भाई भी, तो ये तीनों थक गए थे काफ़ी, तो बाहर उनका खाना लगा के, इन्हें शर्म बहुत आती है तो इन दोनों का घर अंदर लगा दिया था रूम में। और यहाँ ये मेहमान जो खालाएँ हमारी दोनों आई हैं, वो दोनों अम्मी के कपड़े, अब्बू के कपड़े, और खाला मीन्स अम्मी के खाला जो हमारी नानी है उनके भी सूट लेकर आई थी, बहुत प्यारे सूट थे। अच्छा, अखरोट का हलवा लेके आई थी, भी बहुत मज़े का हलवा था, और जो कलाकंद थी मिठाई वो भी बहुत मज़े की थी। तुम लोग आ रहे थे, यही कम था तुम लोगों का, आ रहे थे उतना कुछ नहीं था, रात में कुछ पैकिंग फुरकान के कपड़ों की रह गई थी ग्रूम के, तो फिर वो सब पैक हो रहे थे, एक एक आशा के भी थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे, फिर वो हमने पैक किए साथ मिल के। बिस्मा आ गई थी, और बिस्मा ही पहले से आई हुई थी, मुस्कान से मैं कहता तो बहुत लेट आई थी, फिर मुस्कान ने फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प शायद करवाई थी, याद नहीं है मुझे। अच्छा, ये बस ये कि बिस्मा ये दोनों लगी हुई थी, माशाल्लाह से इन्होंने काफ़ी अच्छी पैकिंग कर ली थी, और मैंने भी बहुत सारे कपड़े के कशक के प्रेस कर करके जाना, वो हैंग कर रहे थे बहुत सारे, मैंने कहा एंड में यही करवाना रह गया था। और यहाँ पे सर ऑल की स्टार्ट हो गई थी, सब लेट नाइट नानी के घर से आए थे। Thank you.
व्लॉग थे जो मैंने एक साथ अपलोड करे और एक साथ ही मैंने वीडियो बना ली थी, इनके छोटी छोटी से क्लिप्स से मैं एक साथ ही इन्हें ज्वाइन करके एक अच्छा सा व्लॉग बना लेते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप टू डेज हमारी ढोलकी हुई थी, मेहमान आए थे, काशी से हम गए थे। ये टू डेज़ में इतना सब कुछ हुआ था, पता है आपको जब शादी होती है ना इतने कोई काम होते हैं कि मैं बता नहीं सकती, बस आपने मशीन की तरह चलना होता है, का सपोर्ट ना जल्दी होता है, रात को देर से सोना होता है, क्या बस अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे ताकि सब के घर में जहाँ भी शादी हो, कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, वो साथ खैरियत से हो जाए। माशाल्लाह से हमारी शादी बहुत अच्छी गुजरी है कि आगे व्लॉग्स में सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि अब बस सिर्फ गाने वगैरह ही थे और डांस वगैरह था बच्चों का, तो वो तो वीडियोस आपको पता है सॉन्ग्स आएंगे तो फिर अपलोड नहीं कर सकती हूँ मैं, तो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें।